यह है भारत का असल चेहरा, कितना भी कर लो नहीं टूट सकती हिंदू मुस्लिम की एकता। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर का एक वाकया हम आज आपको बता रहे हैं, वीडियो भी आपको बता रहे हैं। यूपी बुलंदशहर के आनंद विहार परिसर में रविशंकर नाम के एक बुजुर्ग की मौत हुई। मौत होने के बाद रविशंकर के बेटे प्रमोद ने अपने सभी रिश्तेदारों को इसकी सूचना दी और अंतिम संस्कार के लिए सबको बुलाया, मगर कोरोना महामारी के डर के कारण न तो कोई रिश्तेदार पहुंचा न तो कोई दोस्त अहबाब पहुंचे। आखिरकार आनंद विहार के मुस्लिम समाज के युवकों ने और मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर के प्रमोद की मदद की, अर्थी बनाने से लेकर के अर्थी उठा करके स्मशान भूमि पहुंचाने तक और उसका दाह संस्कार करने तक मुस्लिम समाज सक्रिय रूप से प्रमोद के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा। यह खबर पूरे भारत को, भारत के तमाम सौहार्द रखने वाले, सहिष्णुता रखने वाले और इस देश को मानवता धर्म के नजरिए से देखने वालों को जोड़े रखने वाली खबर है। ये वाकिया जो है भारत की असली तस्वीर को सामने लाता है। कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी जहर भरी जबानें चलती रहे, कितनी भी जहर भरी बातें फैलाई जाए, मगर भारत का असल चेहरा क्या है, ये बुलंदशहर के रविशंकर के अंतिम संस्कार की इस खबर ने जो है साबित कर दिया है कि असल भारत तो यही है जनाब। आप कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के इस असलियत को आप नकार नहीं सकते, इसकी इस सौहार्दपूर्ण सांप्रदायिकता की छवि को तोड़ नहीं सकते।